हुड्डा साहब ने भी हाल ही में एक सभा में कहा कि कांग्रेस का मुकाबला सिर्फ बीजेपी से, लेकिन आप इंडियन नेशनल लोकदल जो मुख्य विपक्षी पार्टी हरियाणा की, आप उसका अस्तित्व मानते हैं? आप भी मानते हैं कि आपका भी सिर्फ कांग्रेस से, इनेलो का कोई अब रहा है? नहीं नहीं नहीं, देखो कांग्रेस, हुड्डा साहब को काफी एक्सपीरियंस है, 10 साल से मुख्यमंत्री है, क्यों आखिर फिर वो ऐसा कह रहे हैं? नहीं नहीं, देखो अब वो अब ये काइट फ्लाइंग होती है तो होती है यार, अब क्या कह सकते हैं? हर एक को यूं थोड़ी कि मैं हारने वाला हूँ जी, कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ेगा अगर उसको पता है कि मैं हारने वाला हूँ, तो अंदाजा होता है सभी का। और उनको तो, हुड्डा साहब को तो पूरी बटालियन है जो फीड करती है, लोग तो शायद करें या ना करें, वो तो अफसरों के माध्यम से सरकार चलाते हैं, तो वो अफसर फीड करते हैं, सो वो कहते हैं वाजिब है। लेकिन अगर जमीनी स्तर के ऊपर देखा जाए तो इस चुनाव के अंदर कांग्रेस 15 या कांग्रेस 16 पे जीती है, लोकदल 15 पे जीती है, उल्टा उल्टा है, मुझे ध्यान नहीं क्या है, वो 17 और वो 15 ऐसा होगा। हाँ, तो जो इसके इतने अरीब करीब हैं वो कहें कि भाई जो 52 के ऊपर जीत करके आए हैं हमारा उनसे होगा चुनाव, तो वो यूं यूं नहीं कहते कि तुम्हारा चुनाव जो पहले तुम दोनों के दोनों उसी श्रृंखला के अंदर हो कि तुम्हारे दोनों से ही चुनाव चुनाव का वो हो। बीजेपी तो किसी, अगर अगर आज के हिसाब से देखें, देखो मैंने बताया कांग्रेस डिक्लाइन पे है, लोकदल को कई लोगों ने वोट इसलिए दिया कि चौटाला साहब जेल से बाहर निकल जाएंगे, सहानुभूति का वोट था कि अगर इनकी क्षमता राजनीतिक तौर के ऊपर दर्शा पाए तो शायद आने वाली सरकार इनको जेल से निकाल देगी। अब हमारे हरियाणा के अंदर, देहात के अंदर लोग, उनको थोड़ी मालूम है कानून का क्या लफड़ा है, वो तो सोचते हैं कि सरकार जी कुछ भी कर सकती है। तो उनको ये समझाया गया कि अगर तुम ताकत दिखा दोगे लोकदल की तो चौटाला साहब बाहर आ जाएंगे, अगली सरकार उनको बाहर लाने में मजबूर हो जाएगी। अब वो बाहर निकलते हैं नहीं निकलते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन अगर नहीं निकलते तो मैं समझता हूं कि लोकदल का भी आने वाले चुनाव के अंदर बहुत बुरा हाल होएगा। मतलब आप कहते हैं कि बीजेपी का किससे मुकाबला नहीं है, जनता से मुकाबला है, सीधा कि जनता को कैसे समझा? बीजेपी का तो सिर्फ ये मुकाबला है कि जो लोगों की आशाएं हैं उन्हें पूरा कर दे, जो आशाएं बखरी गई हैं उसके अनुसार एक चेहरा उतार करके और उन आशाओं को पूरा करने के लिए मास बेस कुछ और नेता बीजेपी में शामिल कर लिए जाएं, जो लोग कुल मिलाकर के 90 की 90 सीटों पे या उससे कम अगर है थोड़ी बहुत से गठबंधन की के उससे कम पे लड़ें, ताकि आइंदा के लिए सबसे सक्षम पार्टी, तगड़ी पार्टी हरियाणा के अंदर बीजेपी बन जाए। बिल्कुल राज साहब, चुनाव से पहले भी जब लोकसभा चुनाव थे तब भी एक आरोप लगा और आज तक लगातार विपक्षी पार्टियां कांग्रेस नेलो दोनों बीजेपी पे लगाती आई है कि बीजेपी के पास अपने उम्मीदवार नहीं है, उसने आधी से ज्यादा तो कांग्रेस तोड़ ली, उसके अलावा आसपास के, ये आपको भी पहली बार कई बार लोगों ने सवाल पूछा होगा कि भाई सारे तो कांग्रेस के ही आए हैं, बीजेपी का अपना जनाधार क्या है? तो आपको लगता है विधानसभा चुनाव में 90 प्रत्याशी लाने बीजेपी के लिए काफी मुश्किल? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएंगे तो कोई सब मतलब हवा के साथ तो सभी घुस जाते हैं। तो हमने तो सोचना है कि किसको लाना है किसको नहीं लेना है, टिकट मांगने वाले तो सारे आ जाएंगे, अगर हम ये टिकट ऑफर कर दें तो हुड्डा साहब की आधी कैबिनेट आ जाएगी हमारे पास, पर हमने देखना है ना, नाम भी बता दीजिए। ना, हम नहीं बताएंगे, हम सोच के लेंगे ना, तो जल्दी लेना है। और जहां तक कांग्रेस से आने की वाली बात है तो बड़े बड़े नेता सारे तो पहले कांग्रेस में नहीं हुआ करते, सारे ही तो छोड़ छोड़ के अलग अलग पार्टी बनाए हैं, एक जमाने में तो कांग्रेस ही तो थी और कोई दूसरी पार्टी नहीं थी आजादी के बाद, तो धीरे धीरे लोग कांग्रेस से अलग होते गए, कांग्रेस मोमेंटम लूज करती गई, आज के दिन ये है कि ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल के ऊपर आ गया कांग्रेस का खेल हरियाणा में बीजेपी का। मैं आपसे लगातार गुड़गांव से अलग हटकर हरियाणा की बातें इसलिए भी कर रहा हूं राव साहब, क्योंकि आप माने ना माने वो चेहरा आप हो सकते हैं जिसे लेकर बीजेपी आगे बढ़ने वाली है, ऐसा सूत्र भी बता रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं भी हैं, तो किन मुद्दों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ने वाली है? देखो बीजेपी का अमूमन रुझान शहरों में ज्यादा था, देहात के अंदर कम था, ये परिस्थिति रही है। अब पहली बार बीजेपी के की पहुंच देहात के अंदर भी होने लग गई है, किसानों में, मजदूर में भी, कमजोर वर्ग में भी, वगैरह वगैरह सब में होने लग गई है। अल्पसंख्यक में शायद इतनी नहीं हो पाई है, उसके लिए हमने प्रयास करना है, लेकिन दूसरी जगह तक ये पहर गई है। तो मैं समझता हूँ इन सबको साथ लेकर के अगर बीजेपी चलती है तो बहुत तगड़ी पार्टी बन करके अगले देश के अंदर 15-20 साल तक रहेगी।